बुलडाना बस भीषण हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। बस का टायर फटने से ड्राइवर का कंट्रोल बस से छूटा और गाड़ी डिवाइडर पर टकरा गई, जिससे बस के डीजल की टंकी फटी और बस में आग लग गई है। इस हादसे में 25 परिवारों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया। ऐसे ही शहर के शेख परिवार ने भी अपने गुड़िया को इस हादसे में खो दिया है। गुड़िया और जोया शेख होटल मैनेजमेंट करने वाली ये लड़की, जिसे घर वाले प्यार से गुड़िया कहते, वो अब उनके बीच नहीं रही। गुड़िया के भाई ने बताया वे 10 दिन पहले ही मध्य प्रदेश से आई थी और शुक्रवार को 3 बजे वो बैद्यनाथ चौक से पुणे के लिए विदर्भ ट्रैवल से निकल गई। सर, मेरा नाम जाकिरुद्दीन जमालुद्दीन शेख है। वो हमारी सिस्टर है, वो उनका मैनेजमेंट का काम है। तो अभी वो समझ लो यूपी से आए थे। यूपी से आने के बाद मैनेजमेंट का काम हो गया था उनका, तो यूपी से यहाँ आए थे। 10 दिन रुके घर पे, 10 दिन रुके, तो कल के डेट में वो 3 बजे यहाँ से निकले तो बैद्यनाथ चौक पे निकले। वो वहाँ से बस टिकट बुक किए, विदर्भ ट्रैवल से निकले। तो वहाँ से पहुँचने के बाद रात में क्या दुर्घटना हुई इसके बारे में हमको पता लगा तो पहले बड़े भाई अम्बाजरी में बड़े भाई को पता लगा, तो सुल्तान भाई है वहाँ पर हमारे भाई, उनको पता लगा तो उनने हमारे को खबर किए तो यहाँ पर आए हमारे पास। अभी हमको भी मालूम पड़ा यहाँ से। अभी हमारे बड़े भाई लोग गए हैं, मेरा बड़ा भाई, उनसे भी बड़े भाई और दो भाई गए हैं, बुलटाना गए हैं वहाँ पे चेक करने के। अभी पूरा शेख परिवार दुख में है, मगर हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के कुछ लोग बुलढाणा के लिए रवाना हो गए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।